सब टीवी का कॉमेडी शो लापता गंज एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और इस सीरियल के सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है इसका 86वां एपिसोड, जिसमें एक ऐसे वायरस को लेकर चर्चा की जा रही है जो कि हाल फिलहाल हमारे देश में जो महामारी फैली हुई है उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। एपिसोड में साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि गांव में एक ऐसी बीमारी की एंट्री हो जाती है जो कि बिल्कुल इसी वायरस की तरह है जो फिलहाल दुनिया भर में फैली हुई है। एक ऐसी बीमारी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है। सोशल मीडिया पर इसका जो वीडियो सामने आया है उसमें शो का एक कैरेक्टर इस बात की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि प्रदेश में एक नई बीमारी पधार चुकी है जो कि जानलेवा भी है। अगर किसी को लगातार खांसी और जुकाम की शिकायत हो, धुआंदार छींकें आ रही हो, तो उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें और डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही इस बीमारी से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की जा रही है। अब भाई जैसे ही गांव वालों तक ये खबर पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इसी वीडियो पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि लेखक को पहले ही इस तरह के वायरस के बारे में कैसे पता चल गया था। इस एपिसोड को हमारे देश के करंट सिनेरियो से जोड़कर देखा जा रहा है। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।